एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। फिफ्थ क्लास में टॉपिक होता है टाइम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं करूंगी आपके साथ टाइम डिस्कस। इसके अलावा कैलेंडर भी होता है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और टाइम की इस टॉपिक की एक वीडियो और आएगी। 24 आवर क्लॉक नोटेशन जो होता है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि कैसे हम गिवन टाइम को 24 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। सो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइबिंग। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है किड्स लर्निंग कॉर्नर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज एक बार जरूर विजिट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन द फॉलोइंग टाइम्स। क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन द फॉलोइंग टाइम। यहाँ पे आवर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि 7 आवर्स में कितने मिनट होती है। सो सबसे पहले हमारे 1 घंटे में या 1 आवर में होती है 60 मिनट्स। कितनी होती है, 60 मिनट्स। सो 7 आवर्स में कितनी होंगी, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 7 आवर्स में हो जाएंगे हमारी 420 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे में 60 है तो 7 में कितनी होगी, 420, यानी कि 7 आवर्स में होंगी 420 मिनट्स। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखिए यहां पे है 3 आर 1/2 आवर्स। ये जो दिया हुआ है ना नंबर, हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में है, बट हमें क्या करना है, देखिए पहले 3 आवर्स है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मिनट्स में। सो 3 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया हमारा, 180 मिनट्स। अब रह गया हमारा 1/2 आवर्स। सो 1/2 मल्टीप्लाई, आपको यहां कोई भी नंबर गिवन हो आपको बस उस नंबर को डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कराना है। सो 2 1 2, यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आ गया 30। सो ये हो गया 30 मिनट्स। और अब हम इन दोनों को कर देंगे एड, तो ये आ जाएगा 210 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला सम देखते हैं एक बार। देखिए यहां पे कितना है, 8 × 13/15 आवर्स। तो हमें क्या पहले क्या करेंगे, पहले 8 आवर्स है प्लस 13/15 आवर्स। पहले हम 8 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे। सो 8 × 60, सो ये आ गया 480 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा अगला है 13/15 आवर्स जो रह गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। सो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 15 × 1 = 15 and 15 × 4 = नाउ 13 × 4 = 52 मिनट्स। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 532 मिनट्स। ठीक है, सो जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आपको इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आएगी, तो ध्यान रखना जो हमारा 8 है, जो होल नंबर है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और बात का जो फ्रैक्शन गिवन है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहां पे सिंप्लीफाई करके दोनों मिनट्स को ऐड कर देंगे। ये बाकी 3 क्वेश्चंस आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। अब देखिए मिनट गिवन है और हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो देखिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए जब हमारे 60 मिनट्स होते हैं तो हमारा 1 आवर बन जाता है ना। 60 मिनट्स में हमारा 1 आवर होता है, तो यहां पे 720 मिनट्स है, तो कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 आवर्स आ जाएगा। सो अभी पता है कंफ्यूजन क्या होती है मोस्टली, कि आप मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। सिंपल सी बात है, देखिए अब यहां पे आवर्स में कन्वर्ट करना है और मिनट, और मिनट और आवर में पहले रिलेशन आप चेक करें कि एक या 60 मिनट में 1 आवर होता है या 1 आवर में 60 मिनट्स होती है। ठीक है, ये रिलेशन है ना मिनट और आवर के बीच में। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ज्यादा घंटे हो जाएंगे, इतने घंटे होते हैं क्या? आप खुद से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आवर कम होंगे और उसमें मिनट्स को जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा होगी। तो यहां पे डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 आवर्स। कितना आ जाएगा, 7 आवर्स।
बस इतना ही करना था। ओके, अब ये वाला देखिए, यहां पे है 205 मिनट्स और इसे हमें डिवाइड करना होगा 60 से इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए। हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स या 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये होगी कि ये कंप्लीट तो जाएगा नहीं, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको अलग से करके दिखाती हूं, आप इसको रफ नोटबुक में कर सकते हो। सो देखिए 60 ये हो जाएगा हमारा 16 3 4 पे तो जाएगा नहीं, 180, ठीक है, 16 3 180 ना 5 और 2। सो यहाँ पे 3 आवर्स जो तो कंप्लीट हो गए हैं और ये जो रह गया है ना नीचे, इसको हम लिखेंगे 25 मिनट्स, ठीक है, क्या लिखेंगे 25 मिनट्स। जो आपका रह जाता है, जो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता, हमारा जो रिमाइंडर होता है उसको मिनट में लिख देंगे, और जितना कंप्लीट हो जाता है उसको हम 3 कंप्लीट आवर्स में लिख देंगे, जैसे 3 आवर्स 25 मिनट्स। आया समझ में? क्या करेंगे आप इसको रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा उसको आप मिनट में कर दीजिएगा, और जो हमारा कंप्लीट डिविजिबल हुआ है यहाँ पे, जो हमारा आंसर आया है, हमारा क्वेश्चन है, उसको आप आवर्स लिख दीजिएगा, 3 आवर्स 25 मिनट्स होंगे 205 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू मिनट्स। अब आपको इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए मिनट और सेकेंड का क्या कनेक्शन होता है, कि जो 1 मिनट होती है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना, यही कनेक्शन है ना, या 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होते हैं। अब पूछा है कि 780 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, सो भाई मिनट्स तो कम ही होंगे, है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। सो 780 को 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, सो ये आ जाएगा हमारा 13 मिनट्स। क्या आ जाएगा? 13 मिनट्स। आप इसको रिचेक भी कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से ये है 360, तो आप इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर हमें कोई ऐसा नंबर गिवन हो जो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मिनट और जो रिमाइंडर है उसको आप सेकंड्स करेंगे, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 18 मिनट्स 25 सेकेंड्स को हमें ऐड करना है 12 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में। सो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 18 मिनट्स 25 सेकेंड्स। देखिए इनको ऐड करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो और अगर आपको मतलब समझ नहीं आता है, सो इससे मुश्किल भी कुछ नहीं है, ठीक है, इससे टफ भी कुछ नहीं है, और अगर आपने ध्यान से एक बार इसको समझ लिया तो इससे इजी भी कुछ नहीं है। सो देखिए यहां पे हो गए हमारे 45 सेकेंड्स, कितने हो गए 45 सेकेंड्स, और यहां पे हो गए हमारे 30 मिनट्स। डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया है, आप तो बोलोगे मैम सिंपल है, अब क्या इसमें मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, सपोज करिए कि यहां पे मेरे 25 मिनट्स ना होकर यहां पे 45 सेकेंड्स होते, मैं गलत बोल गई, अगर हमारे यहां पे 25 सेकेंड्स ना होकर 45 सेकेंड्स होते, अब हम इनको ऐड करते तो यहां पे कितना आ जाता, 6, है ना, अब 65 सेकेंड्स हो गए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज 65 सेकेंड्स तो होते ही नहीं है, 65 सेकेंड्स होते नहीं, 60 सेकेंड्स होते हैं। सो ये जो हमारा 6 है ना, ठीक है, सो यहां पे हमारी 0 आ जाएगी, क्योंकि देखिए 65 सेकेंड्स हमारी जो 60 सेकेंड्स है उसको, एक मिनट मैं यहां पर लिखती हूं, 65 सेकेंड्स यानी कि 60 सेकेंड्स प्लस 5 सेकेंड्स, है ना, इस 60 सेकेंड्स में तो हमारे 1 मिनट हो गए, है ना, सो यहां पे जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहां पे हम लिख देंगे ओनली 5 सेकेंड्स, ठीक है, हम यहां पे ओनली लिख देंगे 5 सेकेंड्स, यानी के जब भी हमारा यहां पे जैसे सेकेंड है, अगर वो 60 से अबव जाता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जितने एक्स्ट्रा अबव द 60, जैसे यहां पे 5 सेकेंड एक्स्ट्रा है तो आप उसको यहां पे लिख दोगे। अब यहां पे ये 30 मिनट्स थे, इसमें 1 और एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 मिनट्स, कितना हो जाएगा 31 मिनट्स, ठीक है, समझ में आया आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैंने एक नीचे क्वेश्चन दिया है, इसको भी मैं कराऊंगी, लेकिन पहले एक बार सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 12 आवर्स, मैं सिर्फ एच लिख रही हूं, 20 मिनट्स एंड 39 सेकेंड्स,
इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, फ्रॉम। सो जो पीछे का होता है, जब फ्रॉम लिखा होता है, उसको हम लिखते हैं ऊपर। 20 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है, 21 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 20 मिनट्स में से 39 सब्ट्रैक्ट होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो हम इसे इससे नहीं लेंगे कैरी, क्योंकि तो पूरा नंबर को आपको एक ही कंसीडर करके चलना है कि 20 सेकेंड्स है और ये एक ही नंबर है, इससे हम कैरी नहीं लेंगे, हम मिनट्स के पास से कैरी लेंगे। यहां पर मेन जो समझने वाली बात यही है कि 20 मिनट्स को हम एक ही बार कंसीडर करेंगे कि ये पूरी एक ही डिजिट है और ये इससे कैरी बोरो नहीं करेगा, ये मिनट से कैरी बोरो करेगा। और जब मिनट इसको वन कैरी देगा ना, तो देखो यहां तो मिनट है, अब एक मिनट जब यहां पर आएगा तो वो 60 सेकंड बन जाएगा। इस देखो मिनट ने तो वन कैरी दी, लेकिन ये तो सेकंड है, तो उसमें तो 60 सेकंड होंगे, तो ये बन जाएंगे आपके 80, ठीक है, ये बन जाएंगे आपके 80। जब वन कैरी इधर गई तो ये बन गए आपके 80। अब 80 में से 39 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और यहां पे 7 में से 3 गया 4, 41 सेकंड्स, ठीक है। अब क्योंकि 21 मिनट्स ने थी, एक कैरी उसको दे दी, तो कितनी मिनट्स रह गई, 20 मिनट्स रह गई, 20 में से 20 गया 0। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे भी कोई लोअर डिजिट होती तो फिर वो आवर्स के पास से वन कैरी बोरो करता और यहां पर भी फिर 60 मिनट ऐड हो जाती, ठीक है। सपोज करो यहां पे आपका 19 है या कोई और भी नंबर है, तो फिर यहां पे 60 मिनट्स ऐड होती और यहां पे वन कैरी आवर्स में वन कैरी जो है घट जाती। अब 16 आवर्स में से आ गया आपका 12 गया तो 4 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स में से 12 गया तो 4 आवर्स। अच्छा, जो बात मैं आपको कह रही थी, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दिखाती हूं, मान लीजिए यहां पे अगर हमारा होता है 19 मिनट्स, ठीक है, कितना होता हमारा 19 मिनट्स होता, तो पीछे का तो सेम रहेगा। अब देखो क्योंकि 19 मिनट से इसको वन कैरी दे दी, तो कितना रह गया, 18 रह गया, है ना, 19 ने जब वन कैरी इसको दी तो 18 रह गया। अब 18 में से 20 होगा सब्ट्रैक्ट, नहीं होगा, तो 18 क्या करेगा, जो आवर्स है उससे वन कैरी बोरो करेगा, तो ये तो वन आवर है ना, जब ये वन कैरी बोरो करेगा यानी कि वन आवर देगा, तो यहां पर आकर वो 60 मिनट्स हो जाएंगी, यानी कि 18 में 60 मिनट्स एड और हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 78, ठीक है, 60 प्लस 18 78। अब आपको 78 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 50 ये हो जाएगा हमारा 58 मिनट्स। अब क्योंकि 16 ने वन कैरी धर दी थी, तो ये रह गया 15 और 15 में से 12 गया 3 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा पिछला क्वेश्चन उसमें है 3 आवर्स विथ 2 मिनट्स 8 सेकंड, हमें ऐड करना है उसमें 5 आवर्स 45 मिनट्स और 63 सेकंड्स, ठीक है। अब देखिए 63 और 8 तो हो जाएंगे हमारे 71, बट क्योंकि हम 71 तो लिख ही नहीं सकते, 71 सेकंड्स नहीं होंगी, तो आप इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि 60 सेकंड जब हो जाएंगी तो 1 मिनट बन जाएगा और हम उसको मिनट के साइड में ऐड कर देंगे और यहां हमारा आ जाएगा 11 सेकंड्स, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 71 सेकंड्स तो होती नहीं है, देखिए क्लॉक में अगर हम बात करें तो 12 तक होती है हमारे नंबर्स, तो वहां पे हमारे कितनी सेकंड्स होंगी, 60 होंगी, उसके बाद फिर से हमारा 5, 10 ऐसे शुरू हो जाएगा, तो ये हो गए 11 सेकंड्स, क्योंकि जैसे ही हमारी सेकंड की सुई 1 टर्न लेगी वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये हो गया हमारा 45 प्लस 2 कितना हो गया 47 और 48 मिनट्स, ठीक है, 48 मिनट्स और ये हो गया हमारा 8 आवर्स, ठीक है। सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।